यूसुफ अली, आप देख रहे हैं सैफ न्यूज लाइव। आइए देखते हैं आज की खास खबर। कोर्ट में जज के सामने हुई फायरिंग, 3 की मौत, रोहिणी कोर्ट नई दिल्ली का है मामला। कल दिन में नई दिल्ली की रोहिणी कोर्ट से दिल को दहला देने वाला मामला सामने आया है, जहां बड़ी अदालत में घुसे दो बदमाशों ने अंधाधुन फायरिंग कर कुख्यात बदमाश जितेंद्र मान उर्फ गोगी की हत्या कर दी। वारदात के समय गोगी को कोर्ट रूम में पेशी के लिए लाया गया था। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार रोहिणी कोर्ट रूम में जज के सामने गोगी को पेश किया गया था, जिसकी सुनवाई चल रही थी। तभी वकील के पेश में कोर्ट में मौजूद दो बदमाशों ने जितेंद्र मान उर्फ गोगी पर ताबड़तोब गोलियां चलाना शुरू कर दी। इस गोलीकांड में मृतक गैंगस्टर गोगी को 4 गोले लगने से गोगी इस जगह पर ही मौत हो गई। बदमाशों की फायरिंग की जवाबी कार्रवाई में कोर्ट रूम में तैनात पुलिस ने भी गोलियां चलाई, जिसमें दोनों हमलावरों को भी मार गिराया। पुलिस ने तीनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मामले की जांच चल रही है। मौके पर पुलिस के आला अधिकारियों ने पहुंचकर मामले का जायजा लेते हुए कोर्ट की सुरक्षा और कड़ी कर दी है। मिली जानकारी के अनुसार रोहिणी कोर्ट रूम 207 में NDPS के एक मामले में जितेंद्र गोगी को पेशी के लिए लाया गया था। इस कोर्ट में NDPS से जुड़े मामले की सुनवाई होती है। कोर्ट में मामले की सुनवाई चल रही थी कि वकील की पोशाक पहने दो हमलावरों ने गोगी पर अंधाधुन फायरिंग शुरू की। कोर्ट रूम में हुए इस फायरिंग कांड से राजधानी दिल्ली की कानून एवं सुरक्षा व्यवस्था पर सवालिया निशान लगा दिया है। देखिए इस गोलीकांड की लाइव तस्वीरें। ब्यूरो रिपोर्ट, सैफ न्यूज लाइव। हमारे चैनल सैफ न्यूज लाइव पे अपने व्यापार एवं सेवा से संबंधित विज्ञापन हेतु मोबाइल नंबर 7385952786 अथवा 7738267786 पर संपर्क करें।